कितना टाइम है मैडम? बस आ जाएं। यार बड़ा टाइम लगा रहे हैं, मुझे तो खड़े खड़े सुखाम हो गए। बोलो बाद में, इन्हें कहना हमें भी कोई तिक्के तुक्के खिलाए हैं, खिलाएंगे मुफ्त में, बनते तो है हमारे। वैसे वो इंटरव्यू करने के जाते हैं ना, मुफ्त की चीज़ें मिलती है, तो मैं क्या शायद हमें भी खिलाएंगे। अच्छा अगर बाद में पूछे ना कि आप कुछ खाएंगे ये वो, तो मैं कह दूँगी नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊँगी, तो आप कह देना मैं खा लूँगा, ठीक है? आपने अपना नाम लगाना, मुझे नहीं कहना, मेरा नहीं, मेरी थोड़ी इज्जत है ना, समझा करे। आपने अपना कहना कि मुझे भूख लगी है, ठीक है? मैं कहूँगी नहीं नहीं मैंने तो नहीं खाना, मैंने तो नहीं खाना। आ जाओ, मैं आ जाऊँ। ये कट करके लगाना इंटरव्यू, ये नहीं लगाना, ठीक है? मैं अंदर से जाती हूँ। चलो जी, ओके शुरू करें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। न्यूज के साथ, और आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ लाहौर की, पाकिस्तान की सबसे वायरल फूड गर्ल से। जी बिल्कुल, ये देखे किस तरह कमाल से ये जो है वो बारबेक्यू तैयार करी। और सबसे मजे की बात ये है कि ये दोनों जो है वो बहनें हैं, और इन बहनों ने जो है पूरे लाहौर में जो है धूम मचाई हुई है। इतने मजेदार टिक्के कबाब जो है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जो इनकी शॉप पे मिलेंगे। और दोनों बहनों का कमाल ये है कि दोनों बहनें मिलकर जो है वो मर्दों के शाना बचाना ये टिक्के बारबेक्यू जो है लगा रही है, और लोग जो है वो दूर दूर से लोग जो है बड़ी दूर दूर से जो है इनके टिक्के कबाब खाने के लिए आ रहे हैं। बाकी इन्हें से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? अरीशा। और आपका क्या नाम है? समन। समन और अरीशा, मुझे ये बताया कि लड़कियां जो है आजकल फैशन के ऊपर ज्यादा जा रही है, कपड़े खरीदने जा रही है, नेल पॉलिश है, ब्यूटी पार्लर, आप लोग टिक्के लगा के बैठ गए। हम कह रहे हैं हम एक ही बार खरीदेंगे। पहले कमा ले फिर खरीदेंगे। पहले कमा ले। तो मुझे बताया कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इस तरह स्पेशली गर्मी में हर वक्त जो है वो कोयलों के आगे खड़े होना, तो लड़कियों को तो ये काम जो है वो इतना मुनासिब नहीं रखता, तो आपने क्यों सोचा ये लगाने का? एक्चुअली आइडिया इसका था क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब फिर इसे कुटे ना। इसने फंसाया आपको? नहीं नहीं मैं कुकिंग नहीं करती। आपकी ब्यूटी खराब करा रही है। नहीं नहीं मैं कुकिंग नहीं करती, ये एक्चुअली ये इधर ही होती है, मैं सिर्फ अकाउंट्स देख रही होती हूँ कि बिल्स वगैरह हो गए, इसका काम मैं करती हूँ। क्या बात है जी, ये अकाउंट्स देखती है, माल वाली जो है ये है, पैसा इनके पास होता है, और ये जो है ये टिक्के लगाती है। तो मुझे बताया आपको पूरी खूबसूरती से बिल्कुल प्यार नहीं है? खूबसूरती से प्यार है, पर खैर एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अच्छा टिक्के क्यों? टेलर बन सकते थे, बुटीक खोल सकते थे, कुछ और कर सकते थे, टिक्के क्यों? गर्मी इतनी, धुएं इतने। बिल्कुल मैं कुछ भी खोल सकती थी, बट डू समथिंग यूनिक ना। तो मैंने उसकी एक एग्जांपल सेट की है कि गर्ल्स जो है वो जो लोग कहते हैं ना कि लड़कियां सिंपल नाजुक हैं, नाजुक होती हैं, ये कोई हार्ड काम नहीं कर सकती, तो ये यूं समझ लीजिए कि उनका जवाब है। लड़कियां कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे बताया मसाले भी आप अपनी नाजुक उंगलियों से जो है लगाती हैं? हाँ जी। यहाँ के इलाके के लोग तो बड़े खुश होते होंगे लड़कियों के हाथ से ताज़ा ताज़ा खाने हमें मिलते हैं। बिल्कुल अब बहुत खुश होते हैं, पहले स्टार्टिंग में हमने थोड़ी सी बातें सुनी है। अच्छा इधर उधर की? हाँ जी बिल्कुल। काम मैं करा नाला करो कार जाओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बातें बहुत सुनी है। बिल्कुल ऐसी बातों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। देखिए अगर आप बातों की टेंशन लेने लग जाएंगे ना, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये तो जी मेहनती लड़की है, ये काम करती है, ये मेरी दोस्त है, ये अमीर है, इसके पास हर वक्त पैसे होते हैं। तो मुझे बताया कि कितने पैसे कमा लेती है यहाँ पर? पैसे तो सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, हमारी एक दिन की जो सेल होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस होती है। ओए हो 1 लाख! ओ भाई तू तो पीछे हो जा। सारे खीरों के चक्करों में इंटरव्यू खराब हो गया। जहाँ कितनी? 1 लाख प्लस होती है। 1 लाख प्लस होती है, और सैटरडे संडे वीकेंड के डेज होते हैं, तो इनमें थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अच्छा मुझे बताया इतनी माशाल्लाह हक हलाल की कमाई आप कर रही है, तो आपके लिए तो लड़कों की लाइनें लग जाती होंगी रिश्तों के लिए। पता नहीं वैसे अभी तक ऐसा वुमन हमारी सोसाइटी में ये होता है ना कि लड़के जो है वो पैसे कमाते हैं तो लड़कियों की लाइनें लग जाती है, या लड़कियां पैसे कमा रही है तो लड़कों की रिश्तों की लाइनें नहीं लग जाती। मुझे ना रोक। नहीं नहीं ऐसा
ऐसा नहीं है। तो यहाँ के जो इलाका लोग है, जैसे आसपास कंपटीशन भी आपका बड़ा हाई हुआ है, तो ये लोग भी आपको तंग नहीं करते या लड़कियाँ समझ के दबाते नहीं है कि यार हम इनका इधर इनकी ऐसी की तैसी? नहीं नहीं, कुछ जो हमारे मतलब कि जैसे आपने बोला कि ये साथ वाले नेबर्स हैं, उनका भी सेम बारबेक्यू क्या है, तो वो शुरू शुरू में बहुत उन्होंने किया था कि ये आप लोग इधर नहीं काम कर सकती, हमारी दुश्मनी चाह रही है उनसे। नहीं, हमारे तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, वो अलग बात है अगर वो समझते हो तो। नहीं वैसे है वो चल रहा है, बैठ चल रहा है हमारा जी। शुरू शुरू में तो उन्होंने बहुत कहा था कि आपकी ब्रांच नहीं चल रही इधर ना, तो ये नहीं होगा वो नहीं, लड़कियों की वजह से कि लड़कियां काम कर रही है, ऐसे ही है। चले जी, ये तो एक और बड़ा कमाल इन्होंने काम किया कि जैसे लड़कों के साथ जो है वो तिक्को की दुकान है, तो उनका कहना था कि लड़कियों की दुकान जो है वो यहाँ नहीं चलने वाली, लेकिन इन्होंने चला के दिखाई और माशाल्लाह 1 लाख से प्लस अर्निंग इनकी एक दिन की है। तो मुझे बताया इतना पैसा करेंगे क्या? इमरान खान की जगह बैठ जाएंगे। उसने खजाना उसने सारा ले लिया है, अब बाकी हम पूरा कर देंगे। बिल्कुल ठीक। तो मुझे बताया आपके पास यहाँ वर्कर्स है, इतने ज़्यादा लड़के वर्कर्स है, काम काज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें डांटती शांटती भी हैं आप? जाहिर सी बात है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा डांटना पड़ता है, लेकिन मैं इधर इन सबसे छोटी हूँ, लेकिन फिर भी काम के मामले में थोड़ा सीरियस होना। आप इनसे भी छोटी है जी? तो मना बाज आना जी। आपने वैसे लड़कियों में देखा होगा कि वो लड़कों का दिल जो है वो निकाल लेती है, पहली लड़की आपको दिखा रही जो तंदूर के अंदर से दिल निकाल रही है, तो मुझे बताइएगा ये तंदूर के अंदर से रोजाना आप इतने दिल जो है वो बनाती है निकालती है, तो इससे लड़के जो है परेशान नहीं होते? होते हैं, पर खैर इबादत हो गई है उनको भी। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि आप जो है ज़्यादा मेहनत वाला गर्मी वाला काम कर रही हैं, तो ये तो नहीं होता कि जो आपकी पार्टनरशिप में ज़्यादा पैसे आप लेती है थोड़े पैसे ये लेती है? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रोजाना कितने घंटे यहाँ काम कर लेती है? मैं यहाँ पे 8 बजे से 2 बजे तक अवेलेबल होती हूँ। 8 बजे से 2 बजे तक? हाँ जी। क्या बात है। तो मुझे बताइएगा कि ये आपका जो टेस्ट है ये भी बहुत अच्छा है, तो मसाला जो है या इसकी रेसिपी जो है वो आपकी खुद की अपनी है? हाँ जी, हमारी रेसिपी खुद की अपनी है। हम सिर्फ कस्टमर को ना बारबेक्यू नहीं दे रहे, हम कस्टमर को बारबेक्यू के साथ एक फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम दे रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड सोते, जो कि मिक्सचर है 4 वेजिटेबल्स का। इसमें आते हैं गाजर, खीरा, प्याज और शिमला मिर्च। इस पे हम डालते हैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट, और उसके बाद इसकी बटरिंग करते हैं बटर के साथ और लेमन जूस के साथ। क्या बात है। मैंने एक और चीज़ आपके मेन्यू में देखी, मेन्यू तो आपका एक शानदार है ही, आपकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन लड़कियों से मैं ये उम्मीद नहीं रखती थी कि इतने थोड़े प्राइस में इतना ज़्यादा खाना दे देंगी। आप जो प्राइस कम की बात कर रहे हैं, तो घर में भी तो खाती हैं ना बहनों के हाथ का खाना, तो हमने इसलिए अभी प्राइस कम रखी है कि बहनों के हाथ का खाना आगे वाले खाएँ, ज़्यादा होती रहती है ना। क्या बात है जी, ये बात भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की। इनका कहना ये है कि भाई जितने भी आए वो बहनों के हाथ से कम रेट में जो है वो खाना खाए। तो मुझे बताएं कि आगे जाकर जो है वो दोनों बहनों की लड़ाई तो नहीं होने वाली? पता नहीं। नहीं, अक्सर आता है ना कि जब भाइयों की लड़ाई होती है तो हमारी इसके अलावा कोई ब्रांच नहीं, तो ये तो नहीं आप बहनों की भी लड़ाई हो जाएगी? नहीं, वैसे अल्लाह का शुक्र है हम शुरू से ही नहीं लड़ते। हम यानी कि बचपन से लेकर अब तक किसी भी काम में कोई लड़ाई नहीं हुई। चले जी, ये है हरीशा और समन की कहानी, और बड़ी माशाल्लाह मेहनती जो है ये लड़कियाँ, और बड़ी मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर जो है ये काम करी, बड़ी इज्जत के साथ बड़े हौसला अफजाई के साथ जो है ये काम करी हैं। यकीन करें इतनी गर्मी में खड़े होकर जो है यहाँ ये तिक्के बनाना आप लोगों को पता कितना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी ये यहाँ खड़े होकर हक हलाल की रोटी जो है वो कमा रही है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि इनकी वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये हकदार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।